अब कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको डिजिटल में चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसमें क्या क्या मिलती है, ऊपर आपका क्लॉक है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, सर्विस रिमाइंडर है, यहाँ पे ओडो मिल जाता है, यहाँ पे दो ट्रिप मिलता है, ट्रिप ए और ट्रिप बी। साथ में आपको जो है यहाँ पे साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर देखने को मिलता है, और इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। ट्रिप ए में आपको क्या एवरेज मिला वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। उसके बाद जो है आपका ट्रिप बी है, ट्रिप बी में आपको क्या एवरेज मिला वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स आप देखेंगे। ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का लाइट मिलता है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन है, यहाँ पर जो आपको बैटरी वोल्टेज मिल जाएगा, ये आपका पास का लाइट है, ऑन करके मैं दिखाता हूँ। नीचे आपका ABS का लाइट है। हाँ, अगर आपको ABS स्विच करना है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे बटन दिया गया है, इससे आपका रियर ABS ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ रोड आप जब करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में। उसके बाद ये आपका फ्यूल गेज है, जो कि फ्यूल आधा है भरा हुआ है। यहाँ पर आपको कंपास देखने को मिल जाता है, बट इसका वो कोई यूज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है, और ये आपको अलग से सिल्वर में कवर होके मिलता है। ऊपर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका टैकोमीटर, जब आप एक्सेलरेट करते हैं यहाँ पे कितना RPM पे ये जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था इसका कंसोल बेसिक सा। देखने में काफ़ी अजीब लगता है, इतने सारे बटन क्या चीज़ के दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है।